नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज आर्टिकल 13। ये जो आपने सबने बहुत बार सुना सुन चुका होगा कि इस बार निकल के आ गया है नया एक रूल आर्टिकल 13। जी मतलब इसका मतलब मैं इस वीडियो में आपको सीधी सी भाषा में समझाऊंगा। दोस्तों, ये जो आर्टिकल 13 है, ये एक्चुअल में ये है एक कॉपीराइट का एक लॉ है। वो इस लॉ का नाम है आर्टिकल 13। इसकी वजह से क्या होगा ना दोस्तों, ये पहले यूरोप में चल चुका है। वो मतलब सीधी भाषा में आपको बताया जाए तो, अगर आपके पास किसी भी कॉपीराइट कंटेंट या किसी भी चीज़ का 0.11% भी कॉपीराइट है तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर कॉपीराइट है तो नहीं चलेगा। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिसके पास कुछ भी ना कुछ भी कॉपीराइट तो है, लेकिन जिसकी वजह से क्या होगा ना, वो यूरोप कंट्री वाले ने कोई यूट्यूब के ब्लेम करते हैं और यूट्यूब से उसे चार्ज करेंगे अगर किसी भी कॉपीराइट है। तो इसमें क्या होगा, यूट्यूब तो हर एक वीडियो को ठीक से नहीं देखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब में कितना लाखों करोड़ों हजारों अरबों खरबों वीडियो है जो सबको देखना पॉसिबल नहीं है। सबकी सबकी अंदर जो कितनी कॉपीराइट है वो देखना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, वो यूट्यूब ने आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉपीराइट करते हैं उसको तो चलो ठीक है, वो कॉपीराइट किया है उसका चैनल डिलीट हो गया, लेकिन जो बहुत सारे यूट्यूबर है जो कभी खुद की सिर्फ सिर्फ खुद की ही कंटेंट डालते हैं, खुद की ही काम करते हैं, वो तो कॉपीराइट नहीं करते, लेकिन उसकी भी शायद इफेक्ट पड़ सकता है। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ये सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ ये तो यूरोप में हो रहा है, लेकिन अगर हमारा इंडिया में नहीं होगा दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, ये ऐसा किया गया है, ये आर्टिकल में सब तरीके से किया गया कि अगर ये यूट्यूब में यूरोप में पहले ये चलाया जाएगा, इस लॉ को पहले इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में उसे इंटरनेशनल कर दिया जाएगा। मतलब ये हर इंडिया दुनिया की किसी भी जगह में ये हो वो आपको इस्तेमाल करना चाहिएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, बहुत सारे यूट्यूबर को नुकसान होगा और शायद यूट्यूब में बहुत चैनल डिलीट हो सकती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, आप आपकी फेवरेट सॉन्ग कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारे सॉन्गों में भी कॉपीराइट कंटेंट है, जिसकी वजह से क्या, वो चैनल तो वो वीडियो तो छोड़ो, शायद वो चैनल भी डिलीट हो सकता है, जिसकी वजह से यूट्यूब के बहुत भारी रकम चुकाने पड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसका भी एक उपाय है जिसकी वजह से हम उसे सेव कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो बनाए और उसे हैशटैग लगा के सेव योर इंटरनेट ये लगा के आपने एक वीडियो आपको पोस्ट करना चाहिए। अगर चाहे आप किसी भी जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आपको मतलब ऐसा करना है कि हैशटैग सेव योर इंटरनेट को आपको रैंक करना है, किसी भी तरीके से आपको हैशटैग सेव योर इंटरनेट को रैंक करना है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, मतलब सीधी भाषा में कहा जाए तो इसका ट्रेंडिंग बनाना होगा। तो इतने लोग इसे सपोर्ट करेंगे कि ये जो लॉ है आर्टिकल 13, ये हमारा इधर में नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये बात हमको इतना पोस्ट करना होगा, इतना बोलना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, ये लॉ हमारे इधर में नहीं चाहिए, वो प्रूफ करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा ना, शायद हमारे जो चैनल है वो बच सकती है, सबकी अच्छा हो सकता है। यूट्यूब आप तो जानते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को घर संसार चलता है यूट्यूब करके। हम जैसे नए यूट्यूबर के लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है कि अगर यूट्यूब आपका सोचिए, आपको अगर सोच के ही ऐसा लग रहा है तो जब ये होगा तो कैसा होगा। 2019 पहला जनवरी से अगर ये लॉ इस्तेमाल होना शुरू हो गया हमारा इंडिया में या किसी भी देश में या सब देश में, तो क्या होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल डिले हो जाएंगे, यूट्यूब को भी बहुत सारा भारी रकम देना पड़ेगा, शायद मेरा मैंने हल्ला मच जाएगा यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप सबके यही रिक्वेस्ट है कि आप सब ने तो बोलते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑन द नोटिफिकेशन बेल। दोस्तों, अगर आपका चैनल ही नहीं रहेगा तो आप किसे बताएंगे कि आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, मिलते सबसे पहले आपको। तो ये तो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लॉ आ रहा है जिसकी मदद से क्या होगा ना, यूट्यूब में बहुत सारी चैनल डिलीट हो सकती है और यूट्यूब के भी भारी रकम चुकाना पड़ सकती है। आप अपनी फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट वीडियो शायद नहीं भी देख सकते, फेवरेट यूट्यूब कभी आप नहीं चला सकते। तो दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होगा ना, यूट्यूब ने भी एक एक चीज़ किया है कि आपको हैशटैग सेव योर इंटरनेट लगा के वीडियो पोस्ट करना चाहिए। आप किसी भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जिधर भी आप चाहिए आप वो तो पोस्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर वो रैंक कर जाएगी तो शायद हमारा जो ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात सीधी भाषा में समझ आए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, हर बार की तरह दोस्तों मुझसे जुड़े रहने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।